दोस्तों, आजकल के इस जीवन में हम लोग किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी से कॉन्फिडेंस से कैसे बात करें। तो चलिए गौतम बुद्ध की कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटियों में एक बहुत महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वे अपने सभी शिष्यों को ज्ञान भरा उपदेश दे रहे थे। वे अपने सभी शिष्यों को बात करने के तरीके सिखा रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और वे उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। किंतु हे गुरुवर, आप ही बताइए, चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने अपने की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनाई और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्यों से कहते हैं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मैं तुम सबसे बातें बताने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वो हमारे शब्द है, फिर चाहे वो शब्द लिखे गए हो या फिर किसी की जुबान से बोले गए हो। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से यदि इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव को भरने में सक्षम होते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द लोगों को गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहें तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहें तो दूसरों के जीवन में खुशियां भी भर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी करने में सक्षम होते हैं। शब्द न केवल एक इंसान बल्कि पूरे के पूरे परिवार, पूरे शहर और इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी लाभ पहुंचे। और इसलिए आज मैं तुम्हें शब्दों के जादू के बारे में बताने वाला हूं। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं, पर इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। ये चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, किसी के जीवन में खुशियां भर दे तो किसी के जीवन में दुखों के सैलाब ला दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर आपको कोई और नहीं मिलेगा। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना एक कला है और यह आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए, उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी लाना चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अधिक धन भी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस कारण वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। किंतु वहीं पर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर होंगे लेकिन बोलने की कला में वो माहिर हैं और वो अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी किसी के साथ ही अपने नजरिए में परिवर्तन लाने की। आप शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि यह केवल एक नेता पूरे देश पर राज करता है
और वो भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मर चुके हुए इंसान में भी जान फूंक सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। चलिए मैं इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर का राजा यह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना जीवन कैसा हो सकता है। तो उस राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिना शब्दों के जीवन कैसा होता है, इसलिए और वो जो चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दूसरे किसी भी बच्चे को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं होगी। उनके चारों तरफ शांति का माहौल होगा और वे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सभी के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाए और साथ ही उनकी हर एक जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया। मंत्री ने दो बच्चों का गुण बनाया। एक गुण में बच्चों को बात करने की अनुमति थी और दूसरे गुण में बच्चों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई थी। उस गुण में चारों तरफ शांति थी, शांति का माहौल था। राजा इस प्रयोग से ये जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या होती है, लेकिन राजा की इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, परंतु इसका जो परिणाम था वो अत्यधिक भयंकर था। जिन बच्चों को बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिनके चारों तरफ शांति का माहौल था, वे लोग देखते ही देखते खुद ब खुद मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। वे सभी जिंदा ही नहीं रह पाए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह भी पता चला कि बिना शब्दों के, बिना बातों के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सफलता हासिल करें और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचे, तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। जो लोग कम बोलते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है और वह किसी भी कार्य में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा चालाक बनना चाहते हैं, और हाँ, एक बात और अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ ये भी नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सकें, न कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना है और ना ही हमें किसी को फंसाना है। बल्कि हम जितना लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वो ध्यान से सुनेंगे, वो हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं, तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझ कर चालाकी से बात करना सीखना ही होगा। आगे वो भिक्षु अपने उस शिष्य को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, आप कोई बात कर रहे होंगे, उसी बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काट के आपसे कुछ और ही कहने लगता है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को केवल खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी ही बातें बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं, वो तो दूसरों की सुनना तक नहीं चाहते। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वो जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही देनी पड़ी तो जरूर ही होगी। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि शुरू शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा था और उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे और इधर भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना है, तो पहले मुझे उसके मन के सभी प्रश्न को जानना होगा, उसके मन में क्या चल रहा है इसे समझना होगा, तभी मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा और तभी मैं उसे इस युद्ध के लिए मना सकूंगा। इसलिए आप भी जब किसी से बात कर रहे हो, तो ये अवश्य देख ले कि क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनना चाहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं, वह किसी दुख से गुजर रहा होता है और ऐसी समय पर वह हमसे बात नहीं करना चाहता।
इसलिए सबसे पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना। आगे वह बुद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हैं, दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो। इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे कह दो कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह क्रोधित भी हो उठे, और ऐसे समय पर हो सकता है कि वह आपसे तरह तरह के अपशब्द भी कह दे। इसलिए ऐसा कहने से अच्छा है जब आप उससे ऐसा कहेंगे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उससे सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए पहले उन्हें खुश कीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे वह बहुत भिक्षु अपने उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा, आपके आसपास ऐसा कोई न कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर बताता होगा, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं? फिक्र वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि अक्सर लोग बातों को इधर उधर ज्यादा घुमा फिरा कर ही कहते हैं। उन्हें सीधी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्प भी नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का तो ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आज कल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी बात को केवल एक मिनट में कह सकते हैं तो आप उसके लिए आधे घंटे क्यों लगा रहे हैं? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उतना ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बुद्ध भिक्षु उस शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, कम बोलिए और काम का बोलिए, अर्थात अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएं। ना तो बहुत धीरे बोलें और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उदाहरण सही से स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएंगे, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपनी शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड तय करते हैं कि लोग उन्हें सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और ये भी बताता है कि वो व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वे लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें, आपको उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुँच सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावना जुड़ी होती है तो वो आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंचती है और लोग आपसे जुड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से रखना चाहिए, अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपकी मन की बात, आपकी भावना उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनकर आपकी बात को सुनने में दिलचस्प भी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है,
और ऐसे समय पर आपकी भावना आपके शब्द और आपके वाक्य में ही अधिक महत्व रखते हैं। ये सब तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपनी प्रेमिका से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर यदि आप उससे क्रोध भारी आवाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों वाक्यों का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका बदल चुका है, जिससे प्यार से कही गई बात उसके दिल तक जरूर पहुँचेगी, और वहीं पर क्रोध से कही गई बात वहीं उसे सुनने में दिलचस्प नहीं होगी। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिससे अच्छा ज्ञान है, वही बहुत सारे शब्द बोल सकता है, लेकिन सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में अपनी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी तुम कुछ कह रहे हो वह बात सत्य होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक विषय दिया गया है और आपको उस विषय पर बोलना है, किंतु आप उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या फिर हो सकता है कि आपको उस विषय के बारे में पूछे तो आप सीधा उससे कह सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कितने लोग अपने आप को दिखाने के लिए गलत जानकारियां देने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। लोगों के नजरों में आपकी इज्जत घटने लगती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपनी बात कहने में किसी से शर्माओ मत। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।